सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मीट मुर्गा मछली भी खिलाया तो हम पगड़ी नहीं धारण करने वाले हैं। हम 24 घंटा पगड़ी नहीं पहन सकते, उनमें दिमाग मेरा गड़बड़ा जाएगा, उनमें नस दब जाता है। उनमें मोदी की राजनीति का स्वाहा, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने वाले केंद्र सरकार स्वाहा। नमस्कार, मैं नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हुए, 9 साल का जब कार्यकाल पूरा हुआ है तो एक तरफ जहां बीजेपी बता रही है कि उन्हें 9 सालों में काफ़ी कुछ किया है देश के लिए, वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हवन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के, उनके आवास से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिन्होंने मंदिर तोड़ा जो हिंदुओं के खिलाफ है। ये साफ साफ बताया जा रहा है पुलवामा अटैक में जो सैनिक मारे गए उनके बारे में क्यों नहीं अब तक पता चला, ये तमाम बातों को लेकर के वो हवन कर रहे हैं। कोरोना का कलंक हो या फिर बेरोजगारी का कलंक हो, वो तमाम चीज़ों के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, पोस्टर्स लगाए गए हैं, 9 अलग अलग पोस्टर, कोरोना का कलंक, बेरोजगारी का कलंक, संसद का कलंक, ये तमाम कलंक बताए जा रहे हैं और स्वाहा किया जा रहा है, राजनीति को स्वाहा किया जा रहा है। नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी हैं, हवन कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देखिए कैसे राजनीति को स्वाहा किया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अपने समर्थकों के साथ बैठ के, हमने उनसे खास बातचीत भी की है, दोनों वीडियोज़ को आप देखिए। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, हवन हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन काम तो बड़े बड़े हुए नहीं। मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि केंद्रीय मंत्री शेखावत जी आए, सनातन धर्म की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मीट मुर्गा मछली भी खिलाया और मीडिया के साथियों को सवाल नहीं पूछने दिया, एक तरफा अपनी बात कहते रहे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को क्या यह अधिकार नहीं कि आप सवाल पूछिए? सवाल पूछने तक नहीं दिया, ये तो लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाएगा। लेकिन वो तो सनातनी कहलाते हैं ना, सनातन धर्म में तो मुर्गा मीट वहाँ था कि नहीं था ना, मुर्गा मीट मछली सब खिलाया गया तो क्या था वो? और यही तो हम पूछ रहे हैं, नोटबंदी का कलंक, विशेष राज्य का नहीं देने का कलंक, संसद का कलंक, अडानी का कलंक, संसद भवन जो बना आप उसको कलंक मानते हैं? कलंक बिल्कुल मानते हैं, जिसमें जिस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं हो, इसके अलावा लोकसभा में राज्यसभा के सभापति नहीं हो, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो, किसको आप क्या कर रहे थे आप? ये कौन सा कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम में तो केवल मोदी इतिहास लिखा जा रहा था, ये तो कलंक नहीं तो और क्या था? सम्राट चौधरी हो या गिरिराज सिंह हो, सभी कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आप लोगों को। भाई तो उनको सद्बुद्धि है ना, तो हम पगड़ी नहीं धारण करने वाले हैं, हम 24 घंटा पगड़ी नहीं पहन सकते, उनमें दिमाग मेरा गड़बड़ा जाएगा, उनमें नस दब जाता है, उनमें नस दब जाएगा, हमारा शिखा दब जाएगा, तो हम परेशान हो जाएंगे ना, 24 घंटा पगड़ी हम नहीं पहन सकते। असली हिंदू आप ही लोग हैं नहीं? अरे तो असली हिंदू हम ना, तो हम मंदिर तोड़े हैं, हम मंदिर तोड़े हैं एक भी? हमने मंदिर बनाया, जहाँ मंदिर टूटा वहाँ मंदिर बनाया, मंदिर वो भी बनवा रहे हैं। कौन राम मंदिर? राम मंदिर बना करके नाटक कर रहे हैं ना, या जानिए श्री राम जन्मभूमि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहा है, मस्जिद भी यही लोग बनवा रहा है, जमीन देना पड़ा ये कोर्ट के डंडा से, तो और दिन भर मस्जिद के खिलाफ बोलना। 9 साल पूरे होने के बाद आप लोग हवन क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी बात नहीं? हम लोग बेरोजगारी का कलंक है भाई, 7,22,133 नौकरी मात्र भारत सरकार दे पाई है, 15 लाख रुपया नहीं आ पाया, अब नोटबंदी, अब तो गुलाबी नोट बंद कर रहे हैं, तो कब दीजिएगा? मंदिर तोड़ा आपने, मोदी अदानी की दोस्ती बेमिसाल हो गई, देश के अंदर हो क्या रहा? मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, बगल में उत्तर प्रदेश में, जिसे बिहार में हम मंदिर की घेराबंदी भी करते हैं, कब्रिस्तान का भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में यह काम नहीं करता है, तो ये सब बताएंगे ना? तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, हवन हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9 साल के कार्यकाल पूरे होने की उपलब्धि में जो 9 अलग अलग बातें हैं वो दिखाई जा रही हैं, जेडीयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं, हवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।